नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में। जैसा कि अभी चल रहा था, जैसे भजन लाल सरकार ने कहा था कि हर महीने भर्ती, तो इस वाले महीने में तो जैसे ही चुनाव के बाद में जो ये पहली भर्ती आई है जिसका नोटिफिकेशन आया और फॉर्म स्टार्ट होंगे। भर्ती कौन सी है? डिप्टी जेलर। यानी कि ये भर्ती पहले हुई थी 2013 में और अब हो रही है, यानी कि 10-11 साल बाद में ये भर्ती आई है। तो ये देख लो कि कोई भी चीज इतना टाइम लेके अगर आ रही है तो ये सोचो कि वो कितनी अच्छी होगी, यानी कि हम भी उत्सुक होंगे उस चीज के लिए कि 10 साल बाद में आ रही है तो हम इस चीज में जरूर भरेंगे। क्या है देखना, डिप्टी जनरल भर्ती 2024। इसे जो है उप कार्यपाल भी बोलते हैं। जैसे राजस्थान जो पुलिस होती है उसमें होता है SI, यानी कि सब इंस्पेक्टर। और ये जो जेल प्रहरी होते हैं, जैसे कांस्टेबल होता है राजस्थान पुलिस में, वैसे ही जो जेल होते हैं वहां पे होते हैं जेल प्रहरी, और वहां पे लगाए जाते हैं उप कार्यपाल यानी कि डिप्टी जेलर। ये वैसे ही होते हैं जैसे यहाँ पे SI होता है और वहां पे ये डिप्टी जेलर होता है, लेकिन इनकी जो वेतन होगा इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। इसको वेतन जो है राजस्थान पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर होता है उसको वेतन मिलता है भाई L, इस पे तो रहेगा L9 यानी कि 2800 पे ग्रेड, यानी कि ये तो यही सिमट के रह गया। वेतन थोड़ा कम है इसमें क्योंकि जेल प्रहरी वाले में भी और राजस्थान पुलिस वाले में इनमें अंतर रहता ही है, वहां पे जो वेतन है वो कम मिलता है। तो यहाँ का जो वेतन है वो 2800 पे ग्रेड पे मिलेगा। बाकी शुरू करते हैं, जैसे इसमें क्या क्या आपको योग्यता रहेगी, क्या क्या आयु सीमा रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके बारे में पहले बात करेंगे। पद, टोटल पद कितने आए हैं? तो जो कल नोटिफिकेशन आया हमारे पास कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दिया है और टेलीग्राम का जो नोटिफिकेशन वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें टोटल 73 इसमें पोस्ट आई है, टोटल पद आए हैं 73। योग्यता क्या रहेगी? तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से हो, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे है। आयु सीमा क्या रहेगी? तो 18 से 26 वर्ष है वो आयु सीमा रहेगी, बाकी जो छूट मिलती है वो 5-5 साल की वो अलग है। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट में आता है हिंदी, पहला पेपर हिंदी, दो पेपर होंगे जैसे SI में होते हैं वैसे इसमें होंगे। दूसरा पेपर आएगा GK एंड GS, दो पेपर होंगे 200-200 नंबर के। ये आपका क्या है सिलेबस में, दो पेपर होंगे हिंदी में, आपको पता है क्या आएगी, और GK GS है जो नॉर्मली, और राजस्थान GK है। तो राजस्थान की भर्ती है तो याद रखना राजस्थान का जो GK है इसमें बहुत सारा आएगा, और अभी आपने अच्छे से तैयारी की है। राजस्थान पुलिस वाले जो साथी है उनके लिए कह रही हूँ, अभी नई नई तैयारी की हुई है, जुनून भी है कुछ करने का। तो याद रखना इसमें आपकी क्या पढ़ना है, सिर्फ हिंदी, अगर किसी की हिंदी भी क्लियर है तो ये वो जो भर्ती है इसमें उसको कोई नहीं रोक सकता, यानी कि GK GS है हिंदी आएगी। पद आपको बता दिए गए। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया फर्स्ट आपका रहेगा पेपर, यानी कि रिटर्न आपकी एग्जाम होगी, CBT वाला झंझट खत्म। दूसरा इसमें होगा फिजिकल, पहले पेपर होगा, रिटर्न एग्जाम होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू की जो प्रोसेस चलती है वो वाली होगी। वेतन क्या रहेगा? वेतन आपको बता दिया गया है। आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो अभी 8 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 4-5 दिन बाद में, और 6-8 यानी कि 6 अगस्त तक आपके जो है फॉर्म चलेगा, लंबे चलेगा, आराम से भर लेना, लेकिन भरना जरूर। बाकी जो झंझट रहता है आपकी बार, जो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं उनमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रोल कौन निभा रहा है? CET। तो इसमें जो है वो CET नहीं है, न ग्रेजुएशन वाली है, यानी कि CET नहीं है। CET होती तो ग्रेजुएशन वाली होती, लेकिन इसमें CET बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भाई अच्छी भर्ती है, कई दिनों के बाद निकली है, तो एक बार इसमें अपनी किस्मत जरूर आजमाना, ये नहीं है। और अभी नहीं होगा एग्जाम इसका, एग्जाम में काफी प्रोसेस लग जाएगी, यानी कि हो सकता है कि इसके एग्जाम 2025 में हो जाए या लास्ट में दिसंबर में हो जाए, लेकिन अभी टाइम आपको खूब मिल रहा है, हिंदी पढ़ लो, बाकी आपकी GK GS क्लियर है। मेरे राजस्थान पुलिस के जो साथी है उनकी तो क्लियर ही है, बाकी अच्छे से तैयारी करो और कोई जानकारी मिलती है और इसका जो है
वो जो नोटिफिकेशन आया वो टेलीग्राम पे डाल दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहिए, लोड बिल्कुल भी मत लेना दिमाग में, ये भर्ती आई है तो इसके लिए भी लोड मत लेना। वैसे आपको बता दिया जाए, जैसे अभी जो भी भर्तियां हो रही है, आप छोटे लेवल की ले लो चाहे बड़े लेवल की ले लो, अभी इसमें 73 पोस्ट आई है, तो 73 पोस्ट तो वो ले जाएंगे जिनके पास पैसे है। हमारे पास तो क्या बचेगा, जो अमीर पीछे छोड़ जाते हैं, जो पैसे वाले पीछे छोड़ जाते हैं, वो हमारे लिए बचता है मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास वालों के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी देखो हर पेपर बिक रहा है, तो आप ये मत सोचो कि इसमें धांधली नहीं होगी, धांधली हो ही रही है और आगे भी आपको दिख जाएगा। तो 73 पोस्ट है, तो 73 में से 70 है तो वही ले जाए, दो तीन बच्चे जो एक दो ऊपर जो हाईएस्ट रहते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना कि भाई ये वो ले जाएगा, हमें ये सोचना कि मेरे को एक चाहिए। क्या मेरे को एक भी नहीं मिलेगी? 73 है तो उसमें से मेरे को एक भी नहीं मिलेगी, और अभी कन्फर्म और हो जाएगा कि कितने पोस्ट है। तो बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है, जो होगा वो ऊपर वाला देख रहा है, आपकी मेहनत जो है वो खराब नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, याद रखना, ठीक है। जो मेहनत की है वो आपके आगे जरूर काम आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है।